करीबन 20 सालों से मैं इस जलसे में हूं और 20 सालों के अंदर यह पहली बार ऐसा माहौल है, मस्जिद अभी तक खाली है और जो जस्टिस मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर शहर में चहल पहल का मंजर रहा करता था, पूरी सड़क लोगों से भरी पड़ी रहती थी और जिटर चलाना पड़ता था, इन साल वो मंजर नहीं हुआ और इसका एहसास हर मुसलमान के दिल में है। लेकिन ये सिर्फ दारुल इंडिया के लिए मखसूस नहीं है, पूरी दुनिया में इस साल इसी तरह जश्न मिलादुन नबी मनाया जा रहा है, जिसमें बहुत ज्यादा हंगामा रही नहीं है, जुलूस का भी कोई अहतमाम नहीं हो पा रहा है। हर मुल्क में उस मुल्क के हुकूमत की जानिब से गाइडलाइन जो दिए गए हैं उसी के हिसाब से जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सेलिब्रेट किया जा रहा है। गुज़श्ता जुमे में मैंने ऐलान किया था कि जिस रविश में सरकार हुजूर नेमतुल उलमा इस जश्न को मनाया करते थे, इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि उसी तर्ज पर इस जश्न का इंतजाम होगा। बस फर्क यह है कि बाहर से कुछ लोग नहीं आ पाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ी देर के अंदर इंशाअल्लाह एक बहुत अच्छे नाम था शायरी भी करते हैं मौलाना हिदायत रजा पूरी साहब आने वाले हैं, सलीम राबीना भी होंगे और मुमकिन है कि एक खतीब से मैंने कहा था जो आपके इस इदारे के पहले मुदरिस भी हैं उनकी भी आमद हो। वैसे आप अगाधे पर कुछ हद तक देख रहे हैं कि हुजूर नेमतुल उलमा के चमन के फूलों ने कितनी हसीन खुशबू से आपके मसामिया को मुअत्तर कर रखा है। ये दारुल नैया के वो बच्चे हैं जिनके प्रोग्राम से आप रात अभी मुस्तफीज हो रहे थे, अभी बहुत से बच्चे हैं जो नाते पात पढ़ेंगे, तकरीर भी करेंगे और उसके अलावा हम लोग यहाँ हैं तो ऐसा नहीं है कि अगर आप सुनने आए हैं तो आपकी तबीयत ना लगेगी, ऐसा नहीं है कि आपके दिल में जो तमन्ना है उसकी तकमील नहीं होगी। बस ख्याल ये रखना है कि हम सरकार की महफिल में आए हैं, ये ना देखिएगा कि कौन बोल रहा है, बस ये देखिएगा कि आपके रसूल का जिक्र कर रहा है। जब ये देखिएगा कि बोलने वाला तालिब इल्म है, नेकियां का स्टाफ है तो आपको मजा नहीं आएगा, लेकिन जब ये सोचिएगा कि बोलने वाला मेरे रसूल की तारीफ कर रहा है, मुस्तफा का जिक्र कर रहा है, नबी की नाम पढ़ रहा है तो आपको तबीयत भी लगेगी और आपकी मोहब्बतों का परिंदा यहाँ से मदीना के लिए परवाज करेगा। कभी भी ये एहसास कमतरी का शिकार ना हो, नारे में भी नारे सरकार की आवाज, सरकार की आवाज, बक्की की आवाज, मदनी की आवाज, आहार की आवाज, नासीर की आवाज, मुजम्मिल की आवाज, तहमतुल आलमीन की आवाज, आमर की आवाज, सरवर की आवाज, बाबा की आवाज। तो नारा लगाने का मतलब है कि गेट की तरफ देखा जाए तो कोई आ रहा है। आज आपके सरकार की आमद की रात है, जब आंख में नींद के आसार आए तो सरकार की आमद मरहबा का नारा लगाकर आप बताइए कि हम नबी के चाहने वाले हैं तो हम मजमा पे निकल करते हैं और न इंतजार करते कि कोई असद इकबाल आएगा तब जलसा सुनेंगे। कोई पढ़ने वाला अगर मुस्तफा की नाम पढ़ रहा है तो सुभान अल्लाह, जिक्र करने वाला अगर सरकार का जिक्र कर रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह, आप अपने आगा का जिक्र सुने और पूरे एहसास के दरीचे को खोल कर रखिए कि सुना है सबरे यहाँ के चमकने वाले हैं, खबर मिली है सबरे चमकने वाले हैं, नसीब वालों के किस्मत संवरने वाले हैं, दिलो दिमाग का दरवाजा खोल कर रखिए, रसूल आज यहाँ से गुजरने वाले हैं, रसूल आज यहाँ से गुजरने वाले हैं और बेवजू कर नाम ले बुलबुल कभी सरकार का, काम ले गुल पर टपक जाए लोग
सरकार का और ईद मिलाद उन नबी की एक झलक के सामने रंग फीका पड़ गया है मौसमी त्योहार का। सरकार हुजूर नेमतुल्लाह का मसूदे जमाना कलाम है जो पूरे मुल्क में इस महीने में पढ़ा जाता है। ये बारह न होती तो कुछ भी न होता, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। ये कलाम थोड़ी देर में अगर सही नाजरा साहब को सुनाएंगे। बाकी का प्रोग्राम हमारे इदारे के लिए तलबा चला रहे हैं, आप सुने। बस ये ख्याल करके सुनिएगा कि बोलने वाला कौन है, ये समझ के सुनिए कि बोलने वाला मेरे मुस्तफा की तारीफ कर रहा है। आपको पता है मैं नदीम शेर सुनाता हूँ, आपको नबी की नाम है ना। इन हालात में सरकार की आमद हो रही है और मेरे आका कैसे आ रहे हैं, आने के बाद क्या हो रहा है, आप सुनिए। एक बार जरूर सुनिए।